नेक्स्ट हम बात करेंगे 3.5 की। 3.5 हम देख सकते हैं बच्चों, ये जो टॉपिक है उसकी बात करेंगे, वो है हमारा मुद्रास्फीति का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। सामान्य रूप से भाव वृद्धि अर्थात कि मुद्रास्फीति, जब किसी वस्तु के भाव बढ़ जाते हैं तो हम उसकी मुद्रास्फीति उसको ऐसा मानते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों कि मुद्रास्फीति यह आर्थिक समस्या है और मौद्रिक घटना है। सामान्य प्रजा चीज वस्तुओं के भाव वृद्धि को मुद्रास्फीति मानती है, परंतु अर्थशास्त्री ने मुद्रास्फीति का स्पष्ट अर्थ देकर प्रयत्न किया है। मुद्रास्फीति की परिभाषा, वस्तु की पूर्ति की तुलना में उसकी अधिक प्रमाण में मांग होता हुआ स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। डॉक्टर LP नरलन ने ऐसा कहा। दूसरा, वास्तविक आय की तुलना में मौद्रिक आय तेजी से बढ़े तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। डॉक्टर AC पीगू ने कहा, भाव स्तर में हुई सतत एवं सर्वग्राही वृद्धि मुद्रास्फीति है, जिसमें मुद्रा की क्रय शक्ति सतत घटती है। डॉक्टर JM किन मानते हैं कि मुद्रास्फीति की सही स्थिति साधनों के पूर्ण रोजगार के बाद भी मौद्रिक आय बढ़ने से सर्जित होती है। इस प्रकार की मुद्रास्फीति की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर मुद्रास्फीति के लक्षण ये रहे, जिसमें आप देख सकते हैं कि मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला, भाव स्तर में निरंतर वृद्धि हो जाना। दूसरा, अर्थतंत्र में सभी क्षेत्रों में भाव बढ़ते लग जाना। और तीसरा, मुद्रा का मूल्य क्रय शक्ति घटती हो है। और चौथा, पूर्ण रोजगार की स्थिति के बाद बढ़ता भाव स्तर मुद्रास्फीति है। मुद्रास्फीति को समझने के लिए अन्य कुछ बातों को ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे कि पहला, सरकार कानून सब्सिडी द्वारा भाव स्तर को दबा के रखे तो भाव न बढ़ने के बावजूद भी मुद्रास्फीति है, जिसे हम नियंत्रित मुद्रास्फीति कहते हैं। दूसरा, यदि अर्थतंत्र में कम समय अवधि के लिए कुछ वस्तुएं और सेवाओं के लिए भाव वृद्धि लागू पड़ती हो तो वह मुद्रास्फीति नहीं है। अर्थतंत्र में साधन बेकार पड़े रहे तो वस्तु और सेवाओं के भाव बढ़ने से ये साधन कार्यरत हो जाएं और उत्पादन बढ़ने से भाव घटेंगे। संक्षेप में, पूर्ण रोजगार की स्थिति के बाद अर्थतंत्र में सभी क्षेत्रों में भाव स्तर निरंतर बढ़ते रहे तो वह मुद्रास्फीति है, और इस प्रकार की मुद्रास्फीति आर्थिक विकास में अवरोध हो जाती है। अब मुद्रास्फीति के कारण, भाव बढ़ने के कारण क्या है? मुद्रास्फीति अर्थात अर्थतंत्र में सभी क्षेत्रों में चीज वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में निरंतर वृद्धि होती है। तब अभी वस्तु या सेवाओं की कीमत निश्चित करने वाले मुख्य रूप से दो तत्व हैं, मांग और पूर्ति। इसलिए मुद्रास्फीति की कीमतों में वृद्धि के लिए यही दो तत्व जिम्मेदार है। इस प्रकार मुद्रास्फीति के का मुख्य कारण, पहला मांग में वृद्धि और दूसरा खर्च में वृद्धि। तो मांग में वृद्धि क्या? वस्तु की कीमत में वृद्धि, वस्तु की मांग में वृद्धि होने के कारण वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। यदि वस्तु की मांग बढ़ती है तो वस्तु की पूर्ति में वृद्धि हो ऐसा नहीं होता, और यदि ऐसा हो तो भी खूब धीमी गति से वृद्धि होती है। तब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। अर्थतंत्र में मांग बढ़ने के कारण जो मुद्रास्फीति सर्जित होती है उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। नेक्स्ट, वस्तु की मांग में वृद्धि होने के कारण, पहला मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होना। तो मुद्रा की मुद्रावादी मुद्रास्फीति में संपूर्ण रूप से मौद्रिक घटना मानते हैं। इसके मतानुसार देश में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ने से लोगों की मौद्रिक आय बढ़ती है, और आय में बढ़ने से लोग वस्तुओं और सेवाओं के मांग में वृद्धि करते हैं, जिससे समक्ष पूर्ति लगभग स्थिर होने से कीमतों में वृद्धि होती है। मुद्रा पर आधारित किसी भी अर्थतंत्र में वस्तुओं और सेवाओं के प्रमाण की तुलना में मुद्रा का प्रमाण बढ़ जाता है तब मुद्रास्फीति सर्जित होती है। इसके पश्चात चेकमेट कहते हैं कि वह अत्यधिक मुद्रा कम वस्तुओं को पकड़ने के लिए दौड़ती है तो उसे मुद्रास्फीति सर्जित कहते हैं। सरकार के सार्वजनिक खर्च में वृद्धि, भारत जैसे विकास की प्रक्रिया में शामिल देशों के सरकार आर्थिक विकास के लिए तमाम आर्थिक प्रक्रिया में जुड़ते हैं। आंतरिक पूंजी ढांचा का सृजन, आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने या रोजगार का सृजन करना जैसी बहुत सी प्रवृत्तियों में सरकार सार्वजनिक खर्च करती है, जिससे देश में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है एवं लोगों की आय में वृद्धि होती है, और मांग में वृद्धि होने से भाव वृद्धि सर्जित होती है। यदि सरकार देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन की तुलना में बड़े पैमाने पर मुद्रा की आपूर्ति तंत्र में करे तो सार्वजनिक खर्च करे तो मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है। तीसरा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि।
भारत में प्रति वर्ष 2% की दर से बढ़ती हुई जनसंख्या मांग में वृद्धि के दबाव उत्पन्न करती है। सतत वृद्धि हुई आबादी दैनिक उपयोग की चीज वस्तु की मांग में वृद्धि करती है, और बढ़ती आबादी की मांग पूरी ना हो सके तब भाव स्तर में वृद्धि होती है। जनसंख्या स्थिर हो परंतु उसकी आय में वृद्धि हो तो भी उसकी मांग में वृद्धि होती है। इस प्रकार मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि के कारण आय में हुई मांग में वृद्धि कहलाती है और भाव स्तर में वृद्धि कहलाती है। दूसरा टॉपिक है 3.8.2 खर्च में वृद्धि। कीमत को प्रभावित करने वाला दूसरा तत्व है पूर्ति। आपूर्ति लक्ष्य अर्थशास्त्र में समर्थकों का मानना है कि उत्पादन खर्च में वृद्धि हो तो भी वस्तुओं के में भाव में वृद्धि होती है। कच्चे माल की कीमतों में, यंत्रों में, बिजली पानी की दरों में, श्रमिकों के वेतन में, परिवहन खर्च में वृद्धि होने के कारण वस्तु और सेवाओं की कीमत में वृद्धि होती है। खर्च बढ़ने के कारण सर्जित मुद्रास्फीति को हम खर्च प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। और अन्य कारण में है कि मुद्रास्फीति के मूल दो कारण हो सकते हैं। पहला मांग में वृद्धि, दूसरा खर्च में वृद्धि। परंतु व्यवहार में भाव स्तर बढ़ने के लिए कुछ अन्य तत्व भी दबाव उत्पन्न करते हैं, जबकि अन्य तत्व काल्पनिक होते हैं परंतु वे भाव स्तर में को तीव्र गति से बढ़ते हैं। उदाहरण स्वरूप विदेशी आयात पर आधारित उद्योग आयात कर में वृद्धि हो तो अकस्मात संयोगों में कमी उत्पन्न हो तो भी भाव वृद्धि होती है। मूलभूत रूप से मांग और उत्पादन खर्च में वृद्धि होती है, परंतु उसके प्रभावित करने वाले अन्य तत्वों को भी समझाना आवश्यक है। पहला कर नीति। सरकार की कर नीति विशेष रूप से तो ऊंची दर में बढ़ता है कर वस्तु के उत्पादन खर्च में और कीमत में वृद्धि करता है। इसलिए ऊंची दर कर की दरों मुद्रास्फीति के कारण के लिए कारणभूत होते हैं। ब आयाती वस्तु की कीमत में वृद्धि। भारत में आयात पेट्रोलियम उत्पादकों का 70% जितनी आपूर्ति आयात द्वारा होती है। यदि आंतरिक बाजार में कच्चे तेल के भाव बढ़े तो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते हैं, और पेट्रोल डीजल ऐसी वस्तु है जिसके भाव बढ़ने से अनेक चीज़ों के वस्तुओं के भाव बढ़ते हैं। और अभाव कमी, जब कच्चे माल की, बिजली की या उत्पादन के लिए आवश्यक किसी भी वस्तु की कीमत कमी उत्पन्न हो तब उसके भाव में वृद्धि होती है। उत्पादन प्रक्रिया में शामिल किसी भी बात की व्यापक एवं दीर्घकालीन कमी मुद्रास्फीति के लिए कारणभूत होती है। तो बच्चों, आज का ये आपका पाठ पूरा होता है, और मैंने इसी के साथ तीन पाठ पूरे करवा दिए हैं। जब भी आपको मौका मिले आप तीनों पाठों को व्यवस्थित रूप से स्वाध्याय लिख के मुझे चेक करवाने आ सकते हैं। और बच्चों, आप स्कूल आते रहिए, चेक करवाने के लिए आप मुझे मिल सकते हैं। और किसी भी प्रकार की परेशानी हो मेरे सब्जेक्ट में या किसी भी सब्जेक्ट में तो आप आके यहाँ से मिल के जा सकते हैं। आपको सैनिटाइज़र करके ही क्लास में प्रवेश करना है या हमसे मिलना है, और मुंह पर मार्क्स भी होना ही चाहिए। तो बच्चों, मिलते हैं, बाय बाय।